अध्याय एक, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, परिचय, इंट्रोडक्शन। व्यंजकों 2x धन 3, 3x का वर्ग धन 7x ऋण 2, x का वर्ग ऋण 1/2x धन 3, y की घात 3 ऋण वर्गमूल 2 y का वर्ग धन 3y ऋण 7 में प्रत्येक में अक्षर संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या है। इस प्रकार के व्यंजक बहुपद होते हैं। बहुपदों पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना और गुणा करना आपने कक्षा 9 में सीखा है। बहुपदों के जोड़ने, घटाने और गुणा करने के उन तरीकों को एक बार फिर देखते हैं। प्रश्न एक, एक्स धन 3 व एक्स धन 4 को जोड़िए। हल। एक्स धन 3 व एक्स धन 4 को 4 का जोड़ अर्थात एक्स धन 3 धन एक्स धन 4, इसे हम कोष्टक में लिखेंगे, बराबर कोष्टक खोलने पर एक्स धन 3 धन एक्स धन 4 बराबर एक्स को एक साथ लिखने पर एक्स धन एक्स और संख्याओं को एक साथ लिखने पर 3 धन 4 बराबर एक्स धन एक्स मतलब एक एक्स धन एक एक्स बराबर 2x धन 3 धन 4 बराबर 7। यह इसका हल होगा। प्रश्न दो, बहुपद 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए। हल। 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाना है अर्थात 2x की घात 2 धन 3x धन 5, इसे हम पहले कोष्टक में लेंगे, ऋण दूसरे कोष्टक में x की घात 2 धन x ऋण 2। सबसे पहले हम यहां कोष्टक को खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x की घात 2 धन 3x धन 5। दूसरे कोष्टक के सामने ऋण का चिन्ह लगा है। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण का गुणा होगा x के घात 2 के सामने धन है तो ऋण गुणित धन ऋण x की घात 2 ऋण गुणित धन ऋण x और ऋण गुणित ऋण धन 2 बराबर 2x की घात 2। इसके साथ में ऋण x की घात 2 है तो इसे हम साथ में लिखेंगे x की घात 2 धन 3x इसके साथ में ऋण x, ये अपन साथ लिखेंगे, फिर संख्या धन 5 धन 2 बराबर 2x की घात 2 ऋण 1x की घात 2 को जब हम घटाएंगे तो हमें x की घात 2 प्राप्त होगा धन 3x में से ऋण x को घटाएंगे तो हमें 2x मिलेगा धन 5 धन 2 बराबर 7। इस तरह से बहुपदों को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ x की घात 2 धन 2x धन 7। यह इस प्रश्न का हल है। प्रश्न 3, x धन 5 में x ऋण 7 का गुणा कीजिए। हल। x धन 5, इसे कोष्टक में रखेंगे और दूसरे कोष्टक में x ऋण 7, इसे हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए पहले कोष्टक का पहला पद x
को हम दूसरे कोष्टक से गुणा करने के लिए दूसरा कोष्टक सामने लिखेंगे, x ऋण 7, फिर पहले कोष्टक का दूसरा पद जो है धन 5 लेंगे और फिर दूसरा कोष्टक फिर से लिखेंगे बराबर। जब हम इसका कोष्टक को खोलेंगे तो x का जो है x से गुणा होगा, तो x को x से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 ऋण x को 7 से गुणा करेंगे तो 7x, धन 5 को x से गुणा करने पर 5x, और धन को ऋण से जब धन 5 ऋण 7 से गुणा होगा तो धन गुणित ऋण ऋण और 5 7 35। अब यहाँ पे फिर से x की घात 2 लेंगे और ऋण 7x धन 5x का जो योग है वो हमें प्राप्त होगा ऋण 2x और ऋण 35। इस तरह से इनका गुणा है। करके देखें, पहला, बहुपदों 2x ऋण 7 व 5x धन 9 को जोड़िए। दूसरा, बहुपद 3x का वर्ग धन 2x ऋण 3 में से x का वर्ग धन 3x ऋण 4 को घटाइए। तीसरा, बहुपदों x का वर्ग धन 2x ऋण 3 व x का वर्ग धन x ऋण 2 को गुणा कीजिए।